आज हम उपमा बनाने वाले हैं जो जनरली ब्रेकफास्ट में सर्व किया जाता है। तो एक पैन में यहाँ पे सूजी, रवा या सेमोलिना, ये तीनों नाम होते हैं इसके, तो वो 1 कप लिया है। इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, फिर हम ये रवा साइड में निकाल लेंगे। सेम पैन को क्लीन करते हुए इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड डाला है, चना 1/2 टेबलस्पून, उड़द दाल 1/2 टेबलस्पून। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये उपमा में काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट आए। फिर इसमें 1 रेड चिली डाला है, ड्राई रेड चिली। उसको 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। फिर कुछ 4 से 5 करी लीव्स डाली है और इसको अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करने वाले हैं, एक छोटा सा अनियन लिया है जो कि फाइनली चॉप कर लिया है। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करने वाले हैं, जैसे ही अच्छा सौते हो जाए तो आगे का स्टेप करना है। इसमें ऐड करेंगे कुछ ग्रीन चिलीज, 2 ग्रीन चिलीज यहाँ पे ली है, और जिंजर लिया है 1/2 टीस्पून, मतलब 1 इंच के करीब लिया है, फाइनली ग्रेट करके लिया है। इसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। फिर इसमें हम 3 कप पानी डालने वाले हैं। 1 कप रवा लिया है तो 3 कप हम पानी इसमें ऐड करने वाले। पानी जैसे ही बॉईल हो जाए उसमें 1/2 टीस्पून शुगर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। फिर इसमें 1 टीस्पून घी भी ऐड कर दिया है। तो अब सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें जो हमने रोस्टेड रवा लिया है वो धीरे धीरे करके ऐड करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना बने, इसलिए कंटिन्यूसली हम इसको स्टर करेंगे रवा डालते हुए। और जल्दी ही रवा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और 2 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। फिर उसके बाद हमने इसमें कोरिएंडर ऐड किया, लेमन जूस भी ऐड किया है 1/2 टीस्पून, जो कि वीडियो में स्किप हो चुका है, एंड में ज़रूर ऐड कीजिएगा लेमन जूस। फिर अभी हम सर्व कर लेंगे क्योंकि हमारा उपमा रेडी है, बहुत ही झटपट बन चुका है। तो मैंने एक कटोरी में ले लिया और इस तरह काजू से गार्निश कर लेंगे और रेडी है हमारा रवा उपमा या सूजी उपमा, जहाँ पे आपके यहाँ पे क्या नाम से बुलाते हैं। तो बस रेसिपी रेडी है, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।